सितंबर को रिलीज होने वाली दबंग खान की फिल्म दबंग 3 को लेकर वाराणसी के हिंदुनिष्ठ संगठनों द्वारा शोभनीय विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि फिल्म में आपत्तिजनक दृश्यों को दिखाया गया है और हम सब उसका विरोध कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में साधुओं को चश्मा लगाए और हाथों में गिटार वाद्य यंत्र के साथ दिखाया गया है। इस दृश्य में साधुओं को आपत्तिजनक स्थिति में नाचते हुए भी दिखाया गया, साथ ही देवी देवताओं का अनादर भी किया गया है। हिंदू जन जागृति समिति के राजन केशरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम हिंदुओं के आस्था केंद्रों के साथ ऐसा अनादर कदापि सहन नहीं करेंगे। फिल्म के आपत्तिजनक दृश्यों को हटाया नहीं गया तो दबंग 3 का बहिष्कार किया जाएगा। वाराणसी के शास्त्री घाट निकट वरुणापुर पर आयोजित राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन में फिल्म दबंग 3 का विरोध किया गया। आज हम यहाँ पर जो सभी लोग उपस्थित हुए हैं, जो दबंग 3 पिक्चर जो 20 तारीख को रिलीज होने वाली है, जिसमें अपने देवताओं के बारे में और अपने साधु संतों के बारे में जो अपमान दिखाया गया है, इसके विरोध करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्योंकि वहाँ उस पिक्चर में हमारे साधु गिटार बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाली लटका रहे हैं। तो हम ये सभी जानते हैं कि विश्व में मात्र एक भारत ही एक ऐसा देश है जो हमारे देवताओं की और ऋषियों की भूमि बोली गई है। ऋषि तुल्य इस भूमि के ऊपर अगर हमारे इसके देवताओं का अपमान होता है तो ये कतई सहा नहीं जाएगा, क्योंकि देवताओं का अपमान करना शास्त्र में एक महापाप बताया गया है। उसी के साथ में आज हम देखते हैं कि जो सेंसर बोर्ड अलग अलग माध्यम से हमें कभी देवताओं का कभी राष्ट्रपुरुषों का इस प्रकार से ये अपमान दिखाने का जो एक प्रमाण पत्र पास किया जाता है, तो आज भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे जो प्रमाण पत्र है उस प्रमाण पत्र को रद्द किया जाए और सेंसर बोर्ड को रद्द किया जाए और एक कठोर कानून बनना चाहिए। क्योंकि जिस भारत की संस्कृति, जिसको विश्व गुरु कहा गया है, जिसकी संस्कृति सबसे उच्चतम है, आज उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसके ऊपर एक कमेटी का गठन किया जाए, ऐसे हम भारत सरकार से मांग करते हैं। इसके साथ में दूसरा यहाँ पे ये जो विषय है कि आज आंध्र प्रदेश सरकार ने जो जगमोहन रेड्डी जी की सरकार है, उन्होंने जो जेरूसलम यात्रा और हज यात्रा के लिए पहले तो वह 40,000 रुपए का अनुदान देते थे, अब उन्होंने 60,000 रुपए का अनुदान प्रत्येक व्यक्ति को देने का एक निर्णय लिया है। तो हम ये जगमोहन रेड्डी जी से पूछना चाहते हैं कि ये सेकुलर राष्ट्र में अगर हम रह रहे हैं तो सबको समान अधिकार, समान विचार, समान देखने का अधिकार उनका होना चाहिए, क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री पद पर हैं। लेकिन इस प्रकार के ये नहीं अनुदान दिया जाता है, क्योंकि मंदिर में बैठा हुआ पुजारी भी तो है, उसका भी तो विचार होना चाहिए, लेकिन उस प्रकार का विचार नहीं किया जाता है। तो ऐसे हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार के अनुदानों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। उसी के साथ में जो तेलंगाना सरकार ने एक निर्णय लिया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक के बच्चों को वहाँ पर अंग्रेजी सिखाने का निर्णय लिया गया है। तो एक हम पूछना चाहते हैं कि बच्चा जब हम किसी बच्चे को अगर हम वहाँ के राज्य भाषा, वहाँ की राष्ट्रभाषा जो है उसको निरंतर सिखाया जाता है, तो हमेशा वो हमारी परंपरा रही है, तो इस परंपरा को ये धज्जियां उड़ाने का ये अधिकार किसने दिया है, ये हम पूछना चाहते हैं। तो हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक के बच्चों को जो हमारी राष्ट्रभाषा है और जो वहाँ की राज्य भाषा है उसको सिखाने देने का एक निर्णय तुरंत लिया जाए और ऐसे निर्णयों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। आज इस राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन के माध्यम से हम मांग करते हैं।